क्लास थ्री लेसन सेवन लर्न टू लिव विद योर वीकनेसनेस. नाउ इट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स टिक द करेक्ट ऑप्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग सीजन हैज़ बीन मेंशन इन द चैप्टर? रेनी. हु वॉज डांसिंग इन द रेन? पीकॉक. द पीकॉक वॉज सेड ड्यू टू हिज वॉइस. Which one of the following goddess has been mentioned in this chapter? Juno, wife of Jupiter. Now it's filling the blanks. The dash was singing in a sweet voice, cuckoo. Goddess Juno is the wife of Jupiter of the chief of courts. We should not grumble over our weaknesses. The goddess Dash said to the peacock that he was only one who was happy. Reminding of the ugly voice of the peacock's face turned pale. Now true false. It was a hot summer day false. A crow was dancing in the rain falls. The peacock saw a cuckoo sitting on a nearby tree and singing true. Jonah's wife of Jupiter appeared true. Now, it's very short questions. What happened during the monsoon season one day? Now, it's first question's answer. He thought of his ugly, rough voice. His face turned pale and his eyes started watering. Now, second, what did the peacock see? Kya dekha peacock ne? Its answer, he saw a cuckoo sitting on a nearby tree and singing. Yahan tak aapka answer rahega. Question number 3 ka answer. What did the peacock say about the cuckoo? And fourth question is, what did the goddess say about the वीकनेस? इन दोनों का आंसर. दिस वन इज थर्ड आंसर. लिसनिंग टू द टू हर द पीकॉक गेट इट. अब व्हाट ए स्वीट वॉइस ही हैज. और फर्स्ट लास्ट फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डिड द गॉडेस से अबाउट वीकनेस? तो गॉडेस ने अपनी वीकनेस के बारे में क्या बताया? नाउ दिस वन इज योर फोर्थ आंसर. डोंट ग्रम्बल ओवर योर वीकनेस, एक्सेप्ट द वे इट इज़ एंड बी हैप्पी. कि हमारी जो भी वीकनेस है हमें उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसी में ही खुश रहना चाहिए. दूसरों को देखे मतलब उदास नहीं होना चाहिए कि भाई गॉड ने उसको क्या दिया है, मुझे क्या दिया है. कंपैरिजन ना करके अपनी जो भी वीकनेस है, जो भी हमने भगवान ने हमें दिया है, उसमें खुश रहना चाहिए. इसी लेसन से हमें यही मॉरल ऑफ द स्टोरी यही बताता है. नाउ इट्स शॉर्ट क्वेश्चन. व्हाई शुड वी नॉट रिग्रेट फॉर व्हाट वी डोंट हैव? यही जो मैंने आपको अभी जस्ट समझाया है, इसका आंसर ये वाला है. इसकी भी हाफ पे आपको लिख देना वी. ये आपका शॉर्ट का फर्स्ट आंसर. वी हैव बीन गिफ्टेड बाय गॉड विद डिफरेंट गिफ्ट. इसका आंसर यहाँ तक रहेगा. नाउ सेकंड शॉर्ट. Why did the peacock's face turn pale? Now its answer is, ये लिखा हुआ है short second का आंसर. क्योंकि उसकी आवाज़ अच्छी नहीं होती है पीकॉक की, इसलिए उसका जो कुकू की आवाज़ सुन के बहुत खुश हो जाते हैं कि उसकी कितनी आवाज़ अच्छी है, तो इसलिए उसका फेस टर्न पेल हो जाता है, पीलापन आ जाता है. नाउ थर्ड, हु टोल्ड द पीको? मतलब पीको को किसने टोल्ड करा बताया? द गॉडनेस जोना वाइफ ऑफ जुपिटर टोल्ड
टोल्ड के बाद मैंने ये डैश डाला, इट मीन्स ये आपकी ये पूरी लाइन आएगी इसके बाद, टोल्ड के बाद, टोल्ड द लिखा हुआ ना, तो टोल्ड द जो मैंने अंडरलाइन करा हुआ है ये बाकी पूरा आंसर में ऐड आ जाएगा। बस स्टार्टिंग यहाँ से शुरू करेंगे, देन आफ्टर ये अंडरलाइन के हुई आंसर आ जाएगा आपका। Now, long answer type question. What do we understand by this story? Now, its answer. We do understand by this story that we should not grumble on our weaknesses. Rather than we should accept that and always be happy. Now, second. Who had a sweet voice and who praised whom? किसकी आवाज़ अच्छी होती है? अकुक्कू लिखेंगे। अकुक्कू had a sweet voice and इसका आंसर आएगा, मतलब उसकी praise कौन करते हैं? Everyone loves, सबको प्यारी लगती, and praises her voice, और उसकी किसके लिए praise करते हैं, किसके लिए प्रशंसा करते हैं? उसकी आवाज़ के लिए। Now third, which other creature are gifted by God? तो इट्स आंसर, सबको मतलब गॉड ने कुछ ना कुछ उसको पॉजिटिव पॉइंट दिए हैं, कुछ ना कुछ गिफ्ट करा है, जैसे कि ये लिखा है लाइक पीकॉक के लिए, पीकॉक के ऊपर ब्यूटी दी है, ईगल को स्ट्रेंथ दी है, ठीक है। और आगे का आंसर है नाइटिंगेल, ये लिखा है नाइटिंगेल अ स्वीट वॉइस, ये आपका थर्ड का आंसर है, ये नाइटिंगेल लिखा हुआ है, नाइटिंगेल। नाउ योर फोर्थ आंसर, व्हाट शुड वी डू विद आवर वीकनेस? तो इसका आंसर है पेज नंबर 34 पर, ये है आपका आंसर। ये जो भी मैंने आपको आंसर बताए हैं ये सब आपके आंसर कहाँ मिलेंगे? पेज नंबर 34 पर मिलेंगे, जो मैंने आपको टिक में बताए हैं ये सारे पेज नंबर 34 के हैं। तो ये आपका लॉन्ग आंसर, वी शुड नॉट फील सॉरी ऑन वट ही और शी डजेंट हैव, रादर फील कंटेंटेड विद वट वन हैज़। मतलब हमें खुश रहना चाहिए जो भी दिया है, दूसरों को देख के गुस्सा या कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए, सबको कोई ना कोई गॉड ने हमें क्या दिया है, गिफ्ट दिया है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन लिखा हुआ है, लॉन्ग फोर्थ वी से लेके यहाँ तक, ये सब मैंने मेंशन करा है, वेरी शॉर्ट का फोर्थ है, शॉर्ट का फर्स्ट है, ये सब मैंने मेंशन करे हुए पेज नंबर 34 के। नाउ इट्स बुक एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस में क्या यूजिंग होती है? इसमें हैज़ सिंगुलर के लिए, सिंगुलर होता है मतलब एक वचन के लिए, एक पर्सन के लिए, एक थिंग के लिए, या तो है। और इसमें हमें क्या इंक्लूड करना, बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगानी है। तो जो भी हमें ब्रैकेट में दी है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही दी हुई है, तो वी के साथ क्या लगेगा, हैव बीन, लिव का क्या बन जाएगा, लिविंग। रीना के साथ लगेगा हैज़ बीन वॉकिंग, वॉक दिया ना। नाउ ही सिंगुलर पर्सन के लिए आता है तो क्या जाएगा, हैज़ बीन, वर्क का क्या बन जाएगा, वॉकिंग। दे हैव बीन, ईट का क्या बन जाएगा, ईटिंग। ईट के साथ लगता हैज़ बीन रेनिंग सिंस अर्ली मॉर्निंग। नाउ मैच द कॉलम, ये मैंने इनके नंबर मेंशन करे हुए हैं, इट्स सिनोमियंस। थैंक यू।